हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत छोटे से क्यूट से गैजेट का अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करिए एंड साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, ये है छोटा सा डेस्कटॉप क्लीनर, इसे छोटा सा वैक्यूम क्लीनर भी बोल सकते हैं। ये डेस्कटॉप्स, टेबल्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के कीबोर्ड्स, लैपटॉप के कीबोर्ड्स, बच्चों की स्टडी टेबल, डाइनिंग टेबल, किचन स्लैब वगैरह क्लीन करने के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। एक छोटू सा क्यूट सा गैजेट दिख रहा है, कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बेबी पिंक कलर है और वैसे ये ब्लू कलर और भी कई कलर्स में अवेलेबल है ऑनलाइन। इसके साथ प्रोडक्ट मैनुअल आया है जिसमें इस प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, इसका ऑपरेशन मेथड दिया गया है और इसको क्लीनिंग जो कैसे करेंगे वो क्लीनिंग मेथड भी दिया गया है। इसके है ये एक्सेसरीज जो आपको कोनों से भी सफाई करने में मदद करेंगे और ये ब्रश है जो कि इसे क्लीन करने के लिए यूज करना है। इसमें लिखा गया है इसके मैनुअल में कि इसे पानी से नहीं धोना है, यानी आपको इस ब्रश से ही इसे क्लीन करना है। देखने में तो ये काफी अच्छा सा लग रहा है, अब देखते हैं ये वर्क कितना अच्छा करता है। ये इसके पीछे ब्रशेस लगे हुए हैं छोटे छोटे जो इसको क्लीनिंग में जो सक्शन का जो इसका प्रोसेस है उसमें हेल्प करते हैं। ये राउंड शेप है इसलिए ये ज़्यादा जगह नहीं लेता और आप इसे अपनी जो टेबल है, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर टेबल, बच्चों की डेस्क, कहीं पे भी इसको रख सकते हैं। ये है इसका लोअर पार्ट जहाँ पर जो कचरा होगा वो सारा यहाँ पर इकट्ठा होगा और इसे आपको खाली करना होगा डस्टबिन में ले जाकर, और वो जो ब्रश इसके साथ आया है आपको उससे इसकी सफाई करनी होगी। ये जो ब्रशेस हैं ये मैं बता ही चुकी हूँ कि ये इसको सक्शन में हेल्प करते हैं, यानी जो क्लीनिंग का जो प्रोसेस है उसमें ये ब्रशेस हेल्प करते हैं इसकी। ये जो पुश बटन है इसको प्रेस करके, पुश करके आप ऊपर का टॉप पोर्शन खोल सकते हैं। ये बैटरी स्लॉट्स दिए गए हैं, इसमें 2AA बैटरी लगेगी, सेल्स इसके साथ नहीं आते हैं तो आपको अपनी तरफ से अलग से खरीदने पड़ेंगे। ये जो बटन आप देख रहे हैं ये ऑन एंड ऑफ का है, यानी स्विच ऑन करना है तो और स्विच ऑफ करना है तो आपको इसे यूज करना है। ये जो इसके साथ एक एक्सेसरी आई है इसे आप पीछे लगा सकते हैं, अटैचमेंट है ये एक्स्ट्रा। ये अटैचमेंट से क्या होगा कि जहाँ ये पहुँच नहीं सकता ऐसे कोनों पर भी ये आप जाके इसको लगा के कोनों की जो डस्ट, जो कचरा है वो उठा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें सेल लगा देते हैं। सेल तो लग गए हैं, अब थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं इस गैजेट की। चलिए देखते हैं ये पेपर स्क्रैप्स को उठा पाता है या नहीं। अगर ये उठा पाएगा तो ये बच्चों की डेस्क के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बच्चे क्राफ्ट वर्क करते हैं तो उसमें बहुत ही काम का है ये गैजेट। वाह, बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि अगर हम उनकी टेबल पर रख देंगे तो उनके जो रबड़ होता है, शार्पनर का कचरा होता है या पेपर जब वो क्राफ्ट वर्क करते हैं तो जो भी कचरा होता है वो इजीली इससे उठा पाएंगे। तो चलिए अब इसे लैपटॉप क्लीन करने के काम पर लगाते हैं। इससे आप हर रोज की डस्ट क्लीन कर सकते हैं। अब क्यों ना इसे किचन स्लैब को साफ करवा के देखा जाए। यहाँ पर आप स्लैब पर तो हल्का फुल्का आटा देख रहे हैं, जो मैंने रोटियां बनाई थी उसके बाद जो आटा रह गया था वो है, और लैया परवल जो होती है थोड़ी सी वो फैली है। तो देखते हैं ये क्या करता है। C
seems to be doing good job. अब मेरे एक पुराने लैपटॉप जिस पे काफी दिनों से मैंने काम नहीं किया उसमें इतनी डस्ट जमी हुई है. Let's try that. ये थोड़ा टफ काम हो गया इसके लिए क्योंकि डस्ट भी काफी दिनों से लगी हुई थी, काफी इनफैक्ट महीनों से, फिर भी नॉट बैड. अब इसके साथ जो एक्सटेंशन आया है उसको लगाकर हम कोनों की सफाई भी करके देख लेते हैं. तो चलिए अब एक्सटेंशन लगा देते हैं और स्विच ऑन करते हैं. जो मेरे डबल बेड का बैक साइड का पोर्शन है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं मैं उसको ट्राई करती हूँ सफाई करने की. कोनों से तो इसने गंदगी उठा ली है, चलो अब इसको खोल कर देख लेते हैं. काफी बारीक डस्ट दिख रही है और इसे हमें ब्रश से ही साफ करना पड़ेगा जो इसका ब्रश आया है साथ में. वैसे तो इसे डस्टबिन के पास ले जाकर ही खाली करना चाहिए, डस्टबिन में ही, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए अभी यहीं पर एक टिश्यू पेपर पर इसको ये जो डस्ट कलेक्ट हुई है वो दिखाती हूँ. तो देखिए ये मेरे जो डबल बेड का जो बैक पोर्शन था उसका एक कॉर्नर था, उसके जो साइड्स थे वहाँ से जो एक जगह से जो इसने डस्ट कलेक्ट की है वो इतनी है. फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए. स्क्रीन पर आपको हमारे दूसरे वीडियोज़ के लिंक दिख रहे होंगे, उन्हें चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा.